गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मैं आज निकल गया हूँ दिल्ली की तरफ, जो कि मेरा जिम आप लोगों को पता ही है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा जिम दिल्ली में है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और आज 7 सितंबर है। सोचा कि आज जाके पहले अपना जन्माष्टमी है तो मंदिर वंदिर में मत्था वत्था टेकेंगे। T20 के चक्कर में 3 दिन जिम नहीं जा पाऊंगा और ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसका मैं आज फर्स्ट डे स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा वर्कआउट परफॉर्म किया जो आप लोगों को भी हेल्प करेगा। मेरा ना बेली फैट बहुत है, तो बेली फैट को कम करने के लिए अब मैंने अपनी एक चैलेंज ले लिया अपने आप से और आप लोगों को भी बहुत जल्दी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा मेरे अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पैटर्न आपको यूज़ करना है वर्कआउट का, जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हो, स्पेशली बेली फैट में। बेली फैट में क्या क्या ऐसा पैटर्न होगा वर्कआउट का जो आप परफॉर्म करोगे, साथ ही साथ आपको मसल्स भी अच्छे इंप्रूव होएंगे, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, फैट कम हो जाएगा मसल्स में से, तो सारी चीज़ें आज आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने का मोटिव यही है कि बॉडी को शेप में लेके आना है। मैंने बहुत टाइम हो गया यार, बहुत ज़्यादा कैजुअल ले लिया अपने आप को, अब सोचा है कि थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस होकर काम करना है। अभी तक काम में ध्यान बहुत ज़्यादा लगा रहा था, बट अब अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान लगाना है और कुछ नया करने के दिखाना है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो यार और मोटिवेशन मिलता रहेगा। मेरी ये आप लोगों से गारंटी है कि भाई आप लोगों को रिजल्ट मैं ला के दिखाऊंगा। इसमें इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा रिजल्ट आने लग जाएगा अगर आप फॉलो करोगे। भाई G20 की तैयारियां तो बहुत बढ़िया हो रखी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी दिखाते हैं कि क्या तैयारी है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने जिम में और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ये जो मेरा प्री वर्कआउट क्या है आज का। मैंने प्री वर्कआउट पीना छोड़ दिया है और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ये जो मेडिसिन जो मैंने अब आपको दिखाई है ये मैं लूँगा, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो मैं खा रहा हूँ। तो वर्कआउट करने चलते हैं फिर और आज आपको दिखाता हूँ मैं अपना बढ़िया सा वर्कआउट ट्रांसफॉर्मेशन का। सबसे मैंने पहले परफॉर्म करी है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट इसलिए परफॉर्म करी है क्योंकि मैं आज आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं एक एक मसल्स ग्रुप की एक सिंगल एक्सरसाइज करूँगा जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कंपाउंड होंगी, क्योंकि मेरे को बेली फैट कम करना है तो इसलिए मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दी है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप लोगों को भी यही फॉलो करनी है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश करी, जो कि मेरे लोअर बैक और पूरे लोअर बॉडी पे अच्छा एक स्ट्रेच दे रही है और मेरे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो कि एंडोमॉर्फ है उसमें ये बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद मैंने बैक की एक और एक्सरसाइज परफॉर्म करी, क्लोज ग्रिप बेंट ओवर रो। उसके बाद मैंने फिर लोअर बॉडी की एक्सरसाइज परफॉर्म करी, वेटेड स्क्वाट्स, जिसका मैंने पहला सेट वार्म अप में मारा था लाइट वेट से। उसके बाद मैंने अपना वेट जो है स्क्वाट्स का वो डबल कर दिया दोनों साइड से, 15 की जगह 30 केजीस ईच साइड कर दिया, जो कि 60 केजीस हो गया। फिर मैं आ गया बेंच प्रेस पे, जो अपर बॉडी का मैंने दो सेट परफॉर्म करे। पहला ही सेट मैंने हैवी परफॉर्म किया, जिसका इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा था मेरे चेस्ट पे, जो चेस्ट को ग्रो करने में साथ ही साथ स्ट्रेंथ बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें वेट और ज़्यादा डाल के थोड़ा रेपिटेशंस कम करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक अच्छा 8 से 10 रैप का सेट परफॉर्म किया।
फिर मैंने ओवरहेड एक्सटेंशन दोबारा से अपर बॉडी की एक्सरसाइज परफॉर्म करी, जिसका पहला सेट एज अ वार्म अप मैंने परफॉर्म किया 20 रेपिटेशंस का ओवरहेड एक्सटेंशन शोल्डर्स का, जो कि एक कंपाउंड मूवमेंट है और स्ट्रेंथ भी आपकी गेन होती है इससे शोल्डर के मसल्स के लिए। फिर मैंने अपना फाइनल और लास्ट सेट शोल्डर का परफॉर्म किया हैवी लिफ्ट करके, जिसमें मैंने 10 से 12 रेपिटेशंस लगाए, जिसको लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक शोल्डर्स में इफ़ेक्ट आया अपर बॉडी में, और मुझे पता चला कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है। तो इसी के साथ मैंने वर्कआउट को किया ख़त्म। इस तरह हमने करा अपने वर्कआउट ख़त्म और अब मैं घर के लिए निकल गया हूँ, और घर पहुँच के आपको बताता हूँ मैं कि किस तरह मैंने ये वर्कआउट परफॉर्म किया और क्यों मैंने यही एक्सरसाइज परफॉर्म की जो आपको हेल्प करेंगी वेट लॉस करने में, मसल बिल्ड करने में, और कैसे आप अपनी बॉडी से फैट को कम कर सकते हो। ये था मेरा आज का वर्कआउट जो मैंने परफॉर्म करके दिखाया। मेरा ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट दिखाने का मोटिव ये था कि आप किस तरह अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हो बेली फैट को कम करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा बेली फैट कम करने के लिए साइड्स की एक्सरसाइज करनी है, एब्स मारने, बट मेरा जो बॉडी टाइप है, लोगों का बॉडी टाइप जो होता है वो एंडोमॉर्फ होता है, जो कि आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े नैरो होते हैं, बट नीचे जो बेली फैट होता है वो वाइड होता है, तो इसको एंडोमॉर्फ बोलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये एक वर्कआउट आपको दिखाया है जो प्लान करके मैंने किया है, जो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे को हेल्प करेगा मसल बिल्ड करने में, फैट लॉस कम करने में और अच्छी स्ट्रेंथ गेन करने में। तो उम्मीद करूँगा मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप भी बड़ी जल्दी अपनी बॉडी से वेट को कम कर पाएंगे और अच्छा मसल बिल्ड कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को कर देता हूँ यहीं पर एंड, और जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।